हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नॉलेज एकेडमी। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल इन लाइफ। आज का जो टॉपिक है वह बुद्धिस्ट फिलॉसफी से संबंधित टॉपिक है, यानी बौद्ध दर्शन के संदर्भ में हम डिस्कस करेंगे। यह टॉपिक एग्जामिनेशंस की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है, चाहे वे एजुकेशन से संबंधित एग्जाम्स हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ही क्यों ना हो। बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से दैट प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड मोटिवेट चैनल फॉर न्यू अपडेट्स। इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। आप अपने कमेंट्स अवश्य प्रेषित करें। जिस भी विषय पर आपको वीडियो चाहिए उसके संबंध में टॉपिक को कमेंट्स बॉक्स में लिखें। बौद्ध दर्शन के जो प्रणेता हैं, यानी बुद्धिस्ट फिलॉसफी के जो प्रवर्तक हैं, महात्मा बुद्ध के संबंध में हमें इन अ नटशेल जान लेना चाहिए। इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। भारत में प्रचलित प्रमुख दार्शनिक विचारधाराओं में से एक बौद्ध दर्शन है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इसके प्रवर्तक महात्मा बुद्ध थे। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व और मृत्यु 483 ईसा पूर्व हुई। इनका जन्म नेपाल में स्थित कपिलवस्तु नामक नगर में लुम्बिनी बाग में हुआ था। ये शाक्यवंशी क्षत्रिय थे। राजा शुद्धोदन इनके पिता तथा रानी मायावती इनकी माँ थी। बचपन में सिद्धार्थ, फिर गौतम के नाम से पुकारे जाने वाले बुद्ध का बचपन राजसी वैभव में व्यतीत हुआ। शिक्षा प्राप्ति के पश्चात इनका विवाह यशोधरा से हुआ तथा पुत्र राहुल के ये पिता बने। सिद्धार्थ के पिता को बचपन में ही बता दिया गया था कि ये भविष्य के सन्यासी हैं। बचपन से ही गौतम शांत प्रकृति के थे और सांसारिक सुखों के प्रति अनासक्त थे, या ये कहें कि सांसारिक वैभव में लिप्त नहीं होते थे। दया, करुणा, प्रेम, संवेदना इत्यादि मानवीय भावनाओं से ये परिपूर्ण थे। इनके पिता राजा शुद्धोधन ने यथासंभव ये कोशिश की कि इनको संसार की वास्तविकता का पता ना चलने पाए, कि जीवन का अंतिम सत्य क्या है इसके बारे में गौतम को विदित ना हो। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। और एक दिन घटना घटी कि ये शहर में भ्रमण के लिए निकले, इन्होंने एक वृद्ध, एक रोगी, एक मृत व्यक्ति को देखा तथा अपने सारथी से इसके बारे में पूछने लगे। वास्तविकता पता चलने पर उन्हें संसार से वैराग्य हो गया। उन्होंने सहज सा प्रश्न किया कि एक दिन क्या सभी नष्ट हो जाएंगे, तथा इन सभी संदर्भों से वे इतने व्यथित हुए, इतने द्रवित हुए कि उन्होंने संन्यास ले लिया और ज्ञान प्राप्ति के लिए निकल पड़े। निश्चित ही विशिष्ट व्यक्तियों के जीवन में एक सामान्य घटना जो कि जीवन के सत्य से संबंधित है, जब घटित होती है तो ऐसा प्रतीत होता है मानो उन्हें अपने जीवन का उद्देश्य प्राप्त हो गया, जीवन लक्ष्य मिल गया। ऐसा ही कुछ महात्मा बुद्ध के साथ हुआ, या ये कहें कि गौतम के साथ हुआ, जिससे कि वे भविष्य में बुद्धत्व को प्राप्त कर सके। इससे एक बात ये भी सामने आती है कि जीवन में दर्शन की उत्पत्ति दुखों से मानी जाती है, इसके कारण गौतम महात्मा बुद्ध बन सके। ज्ञान प्राप्ति के लिए ये अनेक गुरुओं की शरण में गए, लेकिन इनके प्रश्नों का समाधान इनको नहीं मिला। ज्ञान पिपासा की जो अभिलाषा थी वह समाप्त नहीं हुई, या ये कहें कि वह शांत नहीं हुई। और अंत में गया शहर में बरगद के पेड़ के नीचे 12 वर्षों तक लगातार तपस्या करने के पश्चात इन्हें परम तत्व या परम बोधि, या ये कहें कि ज्ञान प्राप्त हुआ। तभी से इनका नाम गौतम बुद्ध पड़ गया। तथा जिस वृक्ष के नीचे बैठकर इन्होंने तपस्या की थी, ज्ञान प्राप्त किया था, उस वृक्ष का नाम बोधि वृक्ष पड़ा, या ये कहें कि वह बोधि वृक्ष कहलाया। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात वे सर्वप्रथम काशी के पास सारनाथ नामक स्थान पर आ गए और वहां पर इन्होंने 5 भिक्षुओं को सबसे पहले ज्ञान उपदेश प्रदान किया। बुद्ध का यह पहला उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र के नाम से विख्यात है। ये याद रखना है कि धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र के नाम से विदित है। और धीरे धीरे इनके विचार, इनके उपदेश, इनका दर्शन भारत में सर्वत्र फैलने लगा तथा अंत में 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में पावापुरी नामक स्थान पर ये निर्वाण को प्राप्त हुए। बौद्ध साहित्य के संबंध में या बुद्धिस्ट लिटरेचर के संबंध में यदि डिस्कस करें तो वास्तव में महात्मा बुद्ध ने स्वयं किसी ग्रंथ की रचना नहीं की थी। उनके जीवन का उद्देश्य लिखन सृजन करना नहीं था। वे बहुत अधिक महान उद्देश्य को लेकर चले थे, इसलिए उनके शिष्यों ने जिन उपदेशों का संकलन किया वह संकलन ही एकमात्र माध्यम है जिसके द्वारा या जिसकी सहायता से हम उनके बारे में जान सकते हैं। महात्मा बुद्ध के शिष्यों के द्वारा लिखित साहित्य को बौद्ध साहित्य कहा जाता है, जिसकी व्याख्या उनके शिष्यों के द्वारा की गई। यह साहित्य त्रिपिटकों के नाम से विख्यात है। विनय पिटक,
इसमें आधार विचार संबंधी अर्थात विनय पिटक में आचार विचार से संबंधित संघ के नियमों का वर्णन उपलब्ध है। सुक्त पिटक में बुद्ध के उपदेशों एवं वार्तालाप का संकलन है। इसके भी 5 अंग हैं जो कि निकाय कहलाते हैं। इनमें दीर्घ, मध्यम, संयुक्त, अंगुत्तर तथा कुक्षक हैं। इसके अतिरिक्त अभिधम्म पिटक में बुद्ध के दार्शनिक विचारों का संग्रह है। इसमें प्रयुक्त भाषा पाली है, या ये कहें कि इसमें जो पाली भाषा है उसका प्रयोग किया गया है। कालांतर में बुद्ध के जो अनुयायी हैं, या ये कहें कि फॉलोअर्स हैं, वे कई संप्रदायों में विभक्त हो गए और धार्मिक मतभेद के कारण, आपसी मतभेद के कारण बौद्ध धर्म में 2 शाखाएं बनी जो हीनयान एवं महायान के नाम से प्रसिद्ध हैं। पाली में लिखे त्रिपिटक ही हीनयान के प्रधान ग्रंथ हैं और महायान के जो ग्रंथ हैं उनकी भाषा संस्कृत है। महात्मा बुद्ध एवं बुद्धिस्ट फिलॉसफी के बारे में इन नटशेल डिस्कस करने के पश्चात अब हम देखेंगे कि बुद्धिस्ट फिलॉसफी क्या है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि धर्म के रूप में बौद्ध दर्शन के 2 रूप हैं, या ये कहें कि 2 शाखाएँ हैं, हीनयान और महायान। बुद्धिस्ट फिलॉसफी को समझने के लिए ये आवश्यक है कि हीनयान एवं महायान के संदर्भ में भी इन नटशेल डिस्कस किया जाए। तो हीनयान वह संप्रदाय है जो बुद्ध की मौलिक शिक्षाओं को मानता है। अब बुद्ध की मौलिक शिक्षाएं क्या हैं? ये 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग एवं त्रिरत्न से संबंधित हैं। यानी महात्मा बुद्ध ने जो 4 आर्य सत्य बताए हैं, जिस अष्टांगिक मार्ग का रास्ता बताया है उससे संबंधित है, तथा बुद्ध ने जिस मार्ग का अनुसरण करने को कहा, यानी मध्यम मार्ग की बात उन्होंने कही है। बुद्ध ने अपने उपदेशों में कहा कि जीवन का वास्तविक सुख ना तो कर्म कांडों में है और ना ही चार्वाकों के द्वारा प्रतिपादित इंद्रिय भोग में है। यानी चार्वाक फिलॉसफी में सांसारिक सुख को प्राप्त करने की बात कही गई है कि यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा धृतम पीवेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कुतः। यानी जब तक जियो सुख से जियो, देह तो भस्मीभूत है, संसार में पुनः कहाँ आना है। इस तरह की जो फिलॉसफी है वह चार्वाक से संबंधित है। इस तरह बुद्ध ने, या ये कहें कि महात्मा बुद्ध ने चार्वाक फिलॉसफी का भी विरोध किया तथा मध्यम प्रतिपदा मार्ग को अपनाने की सलाह दी। ये तो हुई हीनयान के संबंध में चर्चा। यदि महायान के संबंध में डिस्कस करें तो महायान वह संप्रदाय है जो बुद्ध की मौलिक शिक्षाओं, आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग और त्रिरत्न के साथ साथ भक्ति में भी विश्वास करता है। अतः इन लोगों ने भक्ति का तत्व भी इसमें डाला, या ये कहें कि भक्ति तत्व को भी प्रमुखता दी, स्थान दिया। और महायानियों ने तो मूर्ति पूजा का विरोध करने वाले बुद्ध को ही भगवान के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया तथा ज्ञान के साथ साथ भक्ति को भी आवश्यक बताया। कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग का संबंध हमारे भारतीय दर्शन से भी है। इंडियन फिलॉसफी में भी इसकी चर्चा की गई है। भगवद गीता में भी कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग की चर्चा है। लॉर्ड कृष्णा ने भी कहा है कि सर्वत्र त्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इस श्लोक में निश्चित ही भक्ति तत्व की प्रधानता है। महायानियों ने अपने मार्ग की श्रेष्ठता को उत्पन्न दिखाने के लिए कि वे श्रेष्ठ हैं, अपने मार्ग को महायान कहा तथा बुद्ध के कोरे ज्ञान एवं उपदेशों को मानने वाले को हीनयान की संज्ञा दी। किंतु वास्तविकता यही है कि जो भक्ति तत्व है वह भारतीय संस्कृति का मुख्य तत्व है, या ये कहें कि बड़ी विशेषता है। धर्म और दर्शन अपने कितने ही रूप बदल लें, उनमें भक्ति के अस्तित्व को नहीं नकारा गया हो, भक्ति को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, चाहे वे फिर वह जैन दर्शन हो, बौद्ध दर्शन हो या वेदांत हो। बुद्धिस्ट फिलॉसफी के मेटाफिजिक्स यानी तत्व मीमांसा के संबंध में यदि डिस्कस करें तो बौद्ध दर्शन की, या ये कहें कि बौद्ध धर्म की तत्व मीमांसा में कहा गया है कि संसार में कोई भी वस्तु नित्य नहीं है, सभी कुछ क्षणिक है, या ये कहें कि क्षणभंगुर है। इस सिद्धांत को ही क्षणिकवाद या क्षणभंगुरवाद कहा गया है। इस संपूर्ण ब्रह्मांड में कोई भी स्थायी सत्ता नहीं है। परिवर्तन प्रकृति का नियम भले ही कहा गया हो, लेकिन वास्तव में परिवर्तन ही भ्रम के कारण, या ये कहें कि भ्रम से ही स्थायी दिखाई देता है। बुद्ध के अनिश्वरवाद, या ये कहें कि अनित्यवाद का जो सिद्धांत है वह इसके कारण ही उत्पन्न होता है। यहाँ एक सहज सा प्रश्न उठता है कि अनिश्वरवाद क्या है? तो अनिश्वरवाद के अनुसार विश्व के मूल में ब्रह्म तथा ईश्वर की सत्ता नहीं है, ऐसा बुद्धिस्ट फिलॉसफी में माना गया है। विश्व प्रवाहमान है एवं परिवर्तनशील है।
इसका कोई कर्ता नहीं है। बुद्धिस्ट फिलॉसफी का ये मत है कि किसी भी व्यक्ति के अंदर कोई भी आत्मा जैसी वस्तु नहीं है, जिसे अनात्मवाद कहा गया है। मनुष्य का व्यक्तित्व 5 स्कंधों से निर्मित है, जिनमें कोई भी आत्मा जैसी वस्तु नहीं है, अर्थात उसके भीतर कोई भी स्थायी आत्मा नहीं है। कुल मिलाकर इस तरह की जो फिलॉसफी है वह बुद्धिस्ट में है, या ये कहें कि बौद्ध दर्शन में पाई जाती है। आत्मा व ईश्वर की सत्ता का विरोध करने के पश्चात भी, निषेध करने के पश्चात भी, बौद्ध दर्शन कर्म, पुनर्जन्म, निर्वाण इत्यादि के संबंध में चर्चा करता है। ऐसे में एक सहज सा प्रश्न उठता है कि जब शरीर क्षणभंगुर है, जो कि सत्य है, तथा आत्मा नाम का तत्व है ही नहीं, जैसा कि बुद्धिस्ट फिलॉसफी में कहा गया है, तो फिर कर्म पुनर्जन्म की चर्चा किसके संदर्भ में की गई है? निर्वाण कौन प्राप्त करता है, क्योंकि शरीर तो क्षणभंगुर है? जब कोई स्थायी आत्म तत्व है ही नहीं, तो कर्म के सिद्धांत की व्याख्या किसके संबंध में की गई है? कर्म का नियंत्रण किसके लिए किया गया है, और कौन पुनर्जन्म धारण करता है? इस तरह के प्रश्न भी उठते हैं। बौद्ध दर्शन में कहा गया है कि कर्म के अनुसार, कर्म के कारण नए नए स्कंध उत्पन्न होते हैं, इस तरह की बात की गई है। मृत्यु के उपरांत व्यक्ति के सभी स्कंध, जिसे कि तथाकथित आत्मा कहा गया है, नष्ट हो जाते हैं। नए स्कंधों के साथ नई आत्मा जन्म लेती है, या नया जीव उत्पन्न हो जाता है, जिसे जीवात्मा कहा गया है इंडियन फिलॉसफी में। यही सब जन्म मरण का कारण है और जन्म जन्मांतर तक चलता रहता है। कर्म को रोकने के पश्चात ही वास्तव में निर्वाण प्राप्त होता है, जो कि एक दुख रहित अवस्था है, इस तरह का वर्णन इसमें किया गया है। इसी तरह से एपिस्टेमोलॉजी के संबंध में यदि डिस्कस करें, तो बौद्ध दर्शन की जो ज्ञान मीमांसा है, वह मुक्ति के आधार पर निकाले गए निष्कर्षों पर अवलंबित है, या मुक्ति के आधार पर जो निष्कर्ष निकाले गए हैं उन पर आधारित है। इस दर्शन का जो केंद्र बिंदु है, वह कार्य कारण सिद्धांत से संबंधित है। इसमें प्रतात्य समुत्पाद की चर्चा की गई है, और इस सिद्धांत के अनुसार कार्य कारण संबंधों के कारण ही, या इस श्रृंखला के कारण ही, संसार के समस्त दुख उत्पन्न होते हैं, और इन कारणों को हटा देने के पश्चात ही समस्त प्रकार के कार्य बंद हो जाते हैं या समाप्त हो जाते हैं। यानी कर्म को समाप्त किया जा सकता है यदि कारण को हटा दिया जाए। बौद्ध दर्शन में आचार मीमांसा यानी एक्सियोलॉजी पर ज़्यादा एम्फसाइज किया गया है, और इसे मध्यम मार्ग कहा गया है। ये कहें कि बौद्ध फिलॉसफी में मध्यम मार्ग का प्रतिपादन किया गया है, और मध्यम मार्ग में दो अतियों के मध्य का विवेचन किया गया है। यानी कोई भी मार्ग क्लाइमैक्स का नहीं होना चाहिए, वरन मध्य का रास्ता अनुसरण करने योग्य है। ऐसा मार्ग जिसमें बहुत अधिक भौतिकता एवं सांसारिकता नहीं है, तथा बहुत अधिक भोग विलास भी ना हो, वरन बीच का मार्ग हो। इसी तरह से 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया गया है, और उसके बाद अष्टांगिक मार्ग बताए गए हैं। बौद्ध दर्शन को सामान्यतः 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है, शील, समाधि एवं प्रज्ञा। शील का आशय है व्यवहारिक दृष्टि से शुद्धि, समाधि का अर्थ है मानसिक शुद्धि, एकाग्रता, और प्रज्ञा का आशय है सत्य का साक्षात्कार। ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान बुद्ध से जीव, जगत, ईश्वर के संबंध में दार्शनिक प्रश्न किए जाते थे, तो वे अधिकांशतः या हमेशा मौन रह जाते थे। उनके मौन का अर्थ ये कदापि नहीं लगाना चाहिए कि वे दार्शनिक सिद्धांतों से परिचित नहीं थे, या उनके पास अपना कोई दार्शनिक मत नहीं था, सिद्धांत नहीं था, या वे अज्ञेयवादी थे या निषेधवादी थे। वास्तव में उनके मौन में ही एक तरह का समाधान था, और उनके मौन का अर्थ है प्रश्नों का पूर्ण समाधान, क्योंकि वे ये मानते थे कि किसी भी प्रश्न का समाधान बुद्धि के द्वारा, विभिन्न प्रकार के विकल्पों एवं तर्कों के द्वारा नहीं हो सकता। इनका समाधान वास्तव में तत्व साक्षात्कार के द्वारा ही संभव है। इसलिए आध्यात्मिक साधना के द्वारा ही निर्वाण प्राप्ति ही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, मोक्ष प्राप्ति जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, ऐसा बुद्ध मानते थे। महात्मा बुद्ध ने अपने समय में प्रचलित कई दार्शनिक विचारधाराओं, मतों का उल्लेख किया एवं खंडन भी किया, और इस बात को प्रतिपादित किया कि वे सभी जो इन मतों को जानते हैं, या इन सभी तत्वों को जानते हैं, प्रश्न का समाधान तब तक नहीं हो सकता जब तक कि तत्व साक्षात्कार ना किया जाए, आध्यात्मिक उन्नति या सेल्फ रियलाइजेशन ना किया जाए।
कहीं ना कहीं बुद्ध का जो मौन है वह आध्यात्मिक अद्वैतवाद का प्रतिपादन करता है। अद्वैतवाद की जो व्याख्या है वो हमारे उपनिषदों में, वेदांतों में की गई है। अद्वैत का अभिप्राय ये है कि सत्ता एक ही है, दूसरी नहीं है, द्वितीयो नास्ति। आई होप बुद्धिस्ट फिलॉसफी के संबंध में आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी। थैंक यू।